उदयपुर हत्याकांड का 26/11 कनेक्शन, मर्डर के लिए खास नंबर वाली बाइक का इस्तेमाल क्यों, किश्तों में खरीदी थी 5000 में लिया था नंबर, घूस देकर लिया था खास नंबर, कन्हैया लाल का मर्डर सोची समझी साजिश थी, अब इस पूरे मामले में आरोपियों की जिहादी सोच भी सामने आ रही है और एक एक करके खुलासा हो रहा है। रियाज की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी बाइक का नंबर है 26/11। जी सही सुना आपने, 26/11 यानी वे वही तारीख थी जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। रियाज ने बाइक भले ही किश्तों में ली थी, लेकिन ये नंबर लेने के लिए आरटीओ को 5000 रुपए एक्स्ट्रा फीस दी थी। यानी सोच साफ थी और वो सोच थी आतंकी सोच। अब तक की जांच में इस गाड़ी का नंबर सामने आया, लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही हैं, रियाज की ये बाइक भी सामने आई जिससे वो गौस के साथ कन्हैया लाल का मर्डर करने के लिए पहुंचा था। ऐसे में इस गाड़ी का नंबर इशारा कर रहा है कि वो मुंबई आतंकी हमले से काफी प्रभावित थे। बताया जा रहा है कि RJ27AS 26/11 नाम की इस बाइक से रियाज को काफी लगाव था, इसीलिए मर्डर करने के लिए भी इसी बाइक से वो अपने साथी को साथ लेकर गया। इसके बाद इसी बाइक से ये दोनों फरार भी हो गए थे। हालांकि पुलिस ने अब बाइक को जब्त कर लिया है, लेकिन जांच एजेंसी इस नंबर के पीछे की कहानी और फैक्ट जुटाने में जुटी हुई है। वहीं जांच में एक और राज सामने आया है और वो ये कि रियाज चाहता था कि उसे कम लोग पहचाने, इसलिए वो लगातार घर बदलता रहता था। 2011 में मुंबई हमले के बाद रियाज ने 2013 में बाइक खरीदी थी। जब रियाज ने बाइक खरीदी तब वो फिरोज खान के मकान में किराए पर रहता था। अपनी पसंद का नंबर लेने के लिए 5000 रुपए प्रीमियम भी जमा आरटीओ में करवाया। इसके भी डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, इसमें बाइक रियाज के नाम पर रजिस्टर्ड है। सवाल ये कि क्या 2011 के आतंकी हमले से प्रभावित होकर जानबूझकर बाइक का ये नंबर लिया गया था। जांच में यह भी पता चला है कि 28 जून को कन्हैया लाल की हत्या के बाद दोनों इसी बाइक से भागे थे। पकड़े जाने से पहले दोनों ने इसी बाइक से 170 किलोमीटर की दूरी तक तय की थी। दोनों 26/11 नंबर की इसी बाइक से राजस्मंद होते हुए अजमेर मार्ग पर निकले थे। अब चौंकाने वाले खुलासे जो हुए हैं वो भी जरा ध्यान से देख और समझ लीजिए। खबर ये है कि राजस्थान में दंगे भड़काने के लिए कन्हैया के मर्डर का इरादा भी जताया जा रहा है। रियाज गौस 8 जिलों में स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। खबर तो ये भी आ रही है कि स्लीपर सेल तैयार करने के लिए इन्हें अरब से फंडिंग हो रही थी। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे। इंटरनेट कॉलिंग के जरिए ISIS से संपर्क की आशंका भी जताई जा रही है। खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान के मौलाना ने रियाज का ब्रेन वॉश किया। ट्रेनिंग के लिए रियाज और गौसा पाकिस्तान गए। पाकिस्तान के कराची में रियाज की ट्रेनिंग हुई। रियाज जबार ने 20 साल पहले घर को छोड़ दिया था और ये बात भी जांच में सामने आई कि रियाज के संबंध आतंकी गुट अल सूफा से हैं और 5 साल से अल सूफा के लिए वो काम कर रहा था। वहीं जांच में अभी और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि हत्या का आरोपी गौस चिट फंड से पैसा इकट्ठा कर रहा था, महिलाओं को ज्यादा ब्याज का लालच देकर आतंकी फंडिंग करा रहा था। जांच एजेंसियां इस बात की भी तफ्तीश करने में जुटी है कि गौस ने किन लोगों से चिट फंड के जरिए पैसा इकट्ठा करवाया और इन पैसों का इस्तेमाल कहां-कहां किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।